सब्सक्राइब कीजिए इज इट टू कुक चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन का बटन लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इज इट टू कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट टमाटो सूप। टमाटो सूप हम सभी का फेवरेट हुआ करता है, और फ्रेंड्स आज जिस मेथड से हम आपको टमाटो सूप बनाना सिखाएंगे उस मेथड से 5 to 7 मिनट के अंदर ही ये सूप बनकर तैयार हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आई होप कि आपको ये इंस्टेंट टमाटो सूप की रेसिपी पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट टमाटो सूप बनाने के लिए हमने एक टेट्रा पैकिंग हमने यहाँ टमाटो प्यूरी का लिया है। फ्रेश क्रीम लेंगे हम 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। सफेद नमक और थोड़ा सा हम यहाँ काला नमक लेंगे स्वाद अनुसार। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और थोड़े से हमने यहाँ ब्रेड क्रम्स बना के रखे हैं। 1 टीस्पून हमारे यहाँ शुगर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने अपनी टमाटो प्यूरी एक पैन में निकाल लिया है। गैस की फ्लेम को अभी हम स्लो रखेंगे और इसके अंदर हम अभी 1 गिलास पानी डाल देंगे और 1/2 गिलास पानी और डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हम इसमें 1/2 गिलास पानी और डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने टोटल इसमें 2 गिलास पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम फुल कर लेंगे। जब इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगा जब हम अपने इसमें मसाले डालेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी टमाटो प्यूरी और जो हमने पानी ऐड किया था वो अच्छी तरीके से पकने लगा है। इसको बस 1 से 2 बार हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम अपनी ये सब चीज़ें डाल देंगे। सबसे पहले हम नमक और काला नमक डाल देंगे, ये व्हाइट पेपर पाउडर और भुना जीरा पाउडर भी डाल देंगे, चीनी डाल देंगे और इन सबको डालकर अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे और लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पका लेंगे। तीन से चार मिनट हो गए हैं, गैस की फ्लेम को अब हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। और फ्रेंड्स, हमारा जो ये कॉर्नफ्लोर हमने लिया था इसको अब हम घोल लेंगे। इसको घोलने के लिए हम इस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरीके से मिक्स करना है कि जिससे कि इसमें एक भी लंप ना रहे। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसको अपने सूप के अंदर ऐड कर देंगे और जब हम सूप के अंदर इसको ऐड करेंगे फ्रेंड्स, इसको बहुत धीरे धीरे के साथ आप ऐड करते जाइए और अपने सूप को मिलाते जाइए और गैस की फ्लेम को अब हम फुल कर लेंगे। आप देख भी सकते हैं हमारा जो ये सूप है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक हो गई है जैसे कि हमें चाहिए। और बस अब हमारा ये सूप बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बस हमने कॉर्नफ्लोर डालकर हमने इसको बस लगभग 1 मिनट और पकाया है। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और इसको हम गर्म गर्म ही सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गया हमारा इंस्टेंट टमाटो सूप। आप इसकी थिकनेस जरूर देखें एक बार, इसकी थिकनेस ऐसी ही होनी चाहिए, ना ये बहुत ज्यादा थिक है ना ये बहुत ज्यादा पतला है। और अब हम बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर जो हमने ये ब्रेड क्रम्स बनाए थे ये ऐड कर देंगे। ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर हम थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे। क्रीम सर्व करते वक्त ही डालना है और बस एक छोटा सा हम ये हरे धनिए का लीफ लगा देंगे। बस हमारी प्रेजेंटेशन भी हो गई। सो फ्रेंड्स, आपको ये इंस्टेंट टमाटो सूप की रेसिपी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।